अभी आए भाई अपन आलू लेने। यहाँ ये देख सकते हो पूरा बड़ा गाड़ी पे आलू आया भाई, रेड वाला आलू है। भैया क्या रेट आलू? ये वाला बैगन भी अभी मैंने खरीद लिया है, ये देख सकते हो। इसको सामने बोली और भाई टमाटर का इतना सब्जी लेना था, ले लिया भाई। ये देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ 40 एक नंबर भाटा है, 10 रुपया किलो है पताल, एक फटका खा भाई। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, वापस से सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई साहब अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और अभी मैं नहा के नाश्ता करके रेडी आ रहा हूँ वापस से मार्केट जाने के लिए। और आज मौसम भाई पूरा खतरनाक हो रखा है, देख सकते हो आप लोग सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं, पूरा बादल छाया हुआ है भाई। देखो सुबह से ही मौसम ऐसा बना हुआ है, पता नहीं अब शाम को मौसम कैसा रहेगा यार। और अभी आप लोग देख सकते हो गाड़ी जो है मेरा रेडी है भाई। ये रहा हेलमेट, ये मेरा झोला, तो हेलमेट लगाते हैं और निकलते हैं यहाँ से मार्केट। देखते हैं मार्केट में आज सब्जियों का क्या रेट है, प्लस आज कौन कौन से वेजिटेबल्स लेते हैं भाई, कैसा मार्केट रहता है। चलो तो दोस्तों अभी निकल चुके हैं भाई मार्केट के लिए और आज का मौसम देखिए यार पूरा बादल छाया हुआ है भाई, सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। पहले पहुंच चुके हैं अपन सब्जी मंडी और मैंने बाइक को खड़ा किया है यहाँ पास, देख सकते हो हेलमेट और बाइक। और अभी मेरा ऑटो तो आया नहीं यार, पता नहीं कब तक आएगा, टाइम है उसको आने पे। और इधर देखो अपने एल के साहू भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, कैसा चल रहा है मार्केट भैया? और दो दिन से ठीक ठाक चल रहा है यार, मस्त बिक रहा है सब्जियां। और इधर मंडी पे वेजिटेबल का रेट कम हो गया है क्या? हाँ, कम हो गया है, एकदम डाउन हो गया सब्जी, बहुत ही डाउन हो गया। हाँ, गोभी ना पहले 2-3 दिन पहले मतलब 30 रुपए किलो बिक रहा था, अब 13-14 रुपए हो गया है, इतना डाउन हो गया है। और रिटेल मार्केट में 20 बिक रहा होगा? 20 रुपए ही। और आलू? आलू बेच रहे 20 रुपए किलो। और इधर कितना है? यहाँ पर 13 रुपए में लेकर गए थे धुला आलू कल। और मटर, मटर क्या रेट है? मटर को यार 30 रुपए किलो में लेकर गए थे हम लोग, जो कि वहाँ गुरुवार के दिन लेकर गए थे तो नहीं बिका, तो कल 30 रुपए किलो में ही बेच रहे थे तो भी नहीं बिका ऐसा। और टमाटर क्या रेट है? टमाटर क्या था कल? बेच रहे थे हम लोग 20 का 1.5 किलो, जो कि 180 रुपए क्रेट में लेकर गए थे। 20 का 1.5 किलो मतलब 13 रुपए है ना। और आखिरी में 10 रुपए भी बेच दिया। चलो ठीक है, चलो फिर मैं मार्केट घूम के आता हूँ। चलो भाई सब अभी चलते हैं अपन इधर मार्केट की तरफ भाई, अपन आलू लेने। यहाँ ये देख सकते हो पूरा बड़ा गाड़ी पे आलू आया भाई, रेड वाला आलू है, देख सकते हो इधर। और रेट पूछते यहाँ गोपी भैया से, भैया क्या रेट आलू? आलू 13 रुपए किलो। 13 रुपए किलो पड़ेगा बता रहे भाई बोरी पे ऊपर। चलो थोड़ा सा ऊपर चलते भाई, ये ब्रांडेड माल है, धोने नहीं पड़ेगा। ये देखो ये कितना वाला है, माल है, 1 रुपया महंगा पड़ेगा, मतलब 14 रुपए पड़ेगा, एक नंबर ब्रांड माल है। देखने में अच्छा लग रहा है भाई, 13 और 14 रुपए है, अलग अलग लाट का आलू है भाई साहब, और पूरा गाड़ी पे आलू ही आलू है देख सकते हो। और यहाँ से आप लोग देखो पूरा मंडी का नज़ारा आज का, थोड़ा सा मार्केट बदली की वजह से ना डाउन टाइप लग रहा है यार, मौसम डैमेज है ना। चलो भाई एक ठो आलू यहाँ से निकाल लेते हैं पहले, अच्छा वाला आलू के साथ ही करते हैं अपन स्टार्ट। लेने के बाद अभी मैं आया था भाई मटर लेने यहाँ पास, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ से खरीदा है अपन ने मटर, ये देखो एक बोरी पे ये पड़ा है अपने को 22 रुपए केजी, 35 केजी है भाई। अभी चलो इसको रख के आते हैं जहाँ पास मेरा बाइक है वहाँ। अभी मैं आया हूँ किसान मार्केट, ये देख सकते हो भाई काफी सब्जियाँ दिख रहा है इधर, तो आज फुल सब्जियाँ है। और भाई साहब ये वाला बैगन भी अभी मैंने खरीद लिया है, ये देख सकते हो, इसको 32 रुपए बोल रहे थे भैया जो है, लेकिन मैं बोला 30 लगाओ करके, तो 30 में दे दिए भाई। चलो इसको वजन कराते हैं, बैगन को भी ले आया भाई यहाँ पास, ये देख सकते हो ये बैगन आया है अपना 39 केजी और 30 रुपए पे लिया है, मतलब 1120 रुपए का बन रहा है भाई। तो अभी देते हैं भैया को पैसा, 1 रुपया ठीक है। तो अभी आया भाई अपन टमाटर लेने, ये देख सकते हो सामने बोली और भाई टमाटर का 180-190 रुपए के रेट। और यहाँ से मैंने अभी 4 केरेट टमाटर ले लिया है, चलो आप लोग को दिखाता हूँ। ये वाला लाट खरीदा है भाई अपन ने, ये देख सकते हो क्वालिटी काफी अच्छा है भाई, 4 केरेट है कि नहीं भाई, क्वालिटी इसका एक नंबर है, बढ़िया एकदम चोखा माल। चलो भाई अभी इतना सब्जी लेना था ले लिया भाई, ये देख सकते हो अपनी सब्जियाँ। और सामने देख सकते हो भाई अपना ऑटो, उस पर पूरा टमाटर लोड है, तो अभी ये सब्जियों को भी उसी पर लोड करना है यार, देखते हैं अब कैसे कैसे पूरा पिकअप होता है यार। आ जाएगा भाई, आ जाएगा ना, चलो सेठ जी बोल रहे हैं तो आ जाएगा यार, अभी लोड करते हैं गाड़ी। और अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट और गाड़ी का लोड देख सकते हो आप लोग खतरनाक पूरा, ये देखो ऑटो कितना खतरनाक लोड कर रखे हैं भाई। चले भाई चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। तो
दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 3 और अभी फाइनली पहुंच चुके हैं मार्केट। भाई सामने देखो अपना ऑटो है और मार्केट देख सकते हो, अभी सब लगा रहे हैं अपना अपना दुकान। यहाँ लगेगा मेरा शॉप भाई, देख सकते हो। तो चलो यार ऑटो से सामान को लाते हैं और लगाते हैं अपना दुकान। तो अभी फाइनली दुकान लगा लिया है भाई, ये देख सकते हो आप लोग, आलू बैंगन टमाटर मटर और बंद गोभी यहाँ से लेके यहाँ, प्लस इधर अपना धनिया मिर्ची अदरक। और ये आलू आप लोग देख पा रहे हो भाई, ये आलू है अपना 1 क्विंटल 100 किलो 102 केजी है भाई, 100+ 102 केजी है। और ये अपना बैगन, आलू बेच रहे हैं 20 रुपये, बैगन है 40 रुपये, टमाटर 15, मटर 40 और बंधा जो है 20 रुपये का, कोई भी ले लो 20 रुपये पीस है भाई, है ना भाई। और यहाँ बगल पे देखो सुनील भाई का, ये भी बहुत सारा सामान लाया है यहाँ, आलू से लेकर पूरा मूली तक, काफ़ी लंबा शॉप है। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये लोग आलू को धो कर लाए हैं तो काफ़ी साफ दिख रहा है ये देखो धोने के बाद, और मैं धोया नहीं यार आलू को क्योंकि टाइम नहीं मिला धोने का, तो थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी लगा हुआ है तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है भाई। पटेल 20 है ना टमाटर भाई, ए आलू 20 है भाई, आलू ये भी 20 है और अपन भी 20 ही दे रहे हैं, देखते हैं। और आज का मार्केट देखो काफ़ी सब्जी है आज मार्केट, आलू भाटा बंधा मटर वाले भाटा 40, एक नंबर भाटा है स्पेशल, मात्र 40 रुपए किलो ले लो, एक नंबर भाटा है मात्र 40 रुपए किलो, अभी कोई ज्यादा नहीं। और टमाटर लेवे 15 रुपए किलो। हाँ भाई आलू भाटा मटर, आलू भाटा बंधा मटर, आलू भाटा बंधा मटर, चले आ भाई चले आ भाई, 20 रुपए किलो आलू, आलू 20, आलू 20, आलू 20, 15 रुपए दाई, 30 में 2 किलो पता, 30 में 2 किलो टमाटर लो, आलू तो दे भाई, आलू 20 से बड़े भैया, टमाटर 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 वाले ये आ गए, आलू गोभी भाटा मटर वाले, आलू भाटा मटर, आलू भाटा मटर, भाटा 40 बंधा 20 रुपए कोई से धनिया मिर्च आलू वाले गोभी वाले आलू वाले आलू वाले 10 10 10 10 ध्यान उसका का सत्ता मारे तो छाटना नहीं है, एक तरफ से छाटे 15, हाँ हाँ मटर 1 किलो 30, आधा किलो 20, चला भाई चला भाई, मटर मटर ये सस्ता खा, सस्ता खा सेहत बनाओ, टमाटर 10 टमाटर 10, आलू 50 के 30 20 रुपए किलो, चलो भाई चलो भाई, टमाटर 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 10 हो गया 10 हो गया 10 हो गए, लोकल देसी लोकल देसी 60 पैसा। दोस्तों अभी ना भाई टमाटर 15 बेच रहे थे उसको 10 कर दिया, और मटर 40 था उसको 30 कर दिया भाई, मेरे भैया किलो 10 रुपया किलो है पताल, ए फटका था भाई 10 रुपया किलो पताल, हे 10 रुपया किलो पताल, 20 वाले पताल 10 लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, 200 वाले टमाटर 10 हो गए भाई, भाटा 40, आलू ले जाओ 3 किलो 50, बंधा 20 रुपए नांगे, 2 ठो लेबे 30 दे भेजा, 20 रुपए नांग भेजा था, अब मटर 30 रुपए किलो लगा, हाँ 40 वाले मटर 30, टमाटर 10, आलू 3 किलो 50 है, 1 किलो ले है यार, 1 किलो 20, अच्छा 15 लगाया नहीं, टमाटर 10, 15 खरीदी जाए तभी 3 किलो 50 दे, खाओ
और अभी मार्केट लगभग ढीला हो चुका है, खत्म डाइन होने वाला है भाई। और सब्जियां ना बहुत ही सस्ता बेच रहे हैं, फिर भी मतलब कस्टमर आज भाव खा रहे हैं, 10 रुपये टमाटर नहीं सेल हो रहे हैं। और मार्केट देख सकते हो सब अब उठा रहे हैं भाई। और इधर देखो अपना धनिया मिर्ची अदरक लगभग सेल हो गया है, ये सही बिका है, और सब्जियां उतना सही नहीं बिका। अभी चलो इनको भी उठाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने अपना सामान उठा लिया भाई, और अभी देख सकते हो गाड़ी पे हो रहा है पैकिंग हम लोग का, और गाड़ी के ऊपर गाड़ी भी जा रहा है भाई। देखो और देख सकते हो गाड़ी पे जब आए थे ना तो काफी सामान भाई पूरा फुल था, जो कि अभी खाली हो चुका है। नहीं सुनील भैया, उसको सुबह बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना भी थोड़ा सा बचा है तो उसको सुबह ही बेच लेंगे भाई। अभी चलो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, अभी बज रहे हैं रात के 9, और अभी भाई साहब ये जो बचा वाला वेजिटेबल्स है अपना, ये देखो थोड़ा सा मटर, थोड़ा सा बंद गोभी और थोड़ा सा बैगन, और इधर भाई साहब 1 कैरेट टमाटर, और ये अपना धनिया मेथी, और ये मेरा आलू, यही सबसे ज़्यादा बचे भाई। देख सकते आप लोग ये है पूरा पूरा 50 केजी तो हो गई यार, लगभग 1 क्विंटल लेके गया था, 50 केजी बिक गया, 50 केजी ही बचा है। तो आज मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वेजिटेबल्स गया था यार, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन जो है बहुत ही ज़्यादा हाई था, और वेजिटेबल्स जो है मतलब जिस रेट पे लेके गए थे ना तो उसी रेट पे बिक रहा था यार, मतलब भाव टू भाव उतना सही मार्जिन पे नहीं बिक रहा था, बहुत ही लोवेस्ट मार्जिन में सेल किए तब जाके ले दे के सेल हुआ, लेकिन अभी भी बाकी ही है। तो जो मैं वेजिटेबल सेल कर रहा था ना, ये था भाई साहब 5,000 रुपये का, जिसको मैंने सेल किया था वैसे 4,800 रुपीज का, 4,800 रुपये का सेल किया था, तो उसमें से 200 रुपये तो मैंने सुनील भाई को गाड़ी का भाड़ा दे दिया, तो भाड़ा देने के पास मेरे पास बच जाते हैं 4,600 रुपये, मतलब कि अभी मैं 400 रुपये के लॉस में चल रहा हूँ भाई। लेकिन अभी अपना वेजिटेबल्स बाकी है, और जो अपना धनिया मिर्ची अदरक था ना वो था भाई सब 1,400 रुपये का, तो उसको भाई सेल कर रहा था, तो उसने 1,400 के वेजिटेबल्स को सेल किया था 1,600 रुपये का, मतलब 200 रुपीज का प्रॉफिट उसने अर्न कर ली है। और अभी लेकिन फिर भी उसका वेजिटेबल्स भी बाकी है, तो जो बाकी है ना ये सबको मैं जो है कल सुबह लेके चलूंगा बेचने। और यार देखो मार्केट ना ऐसी होता है यार कि लास्ट 3-4 दिनों से अपने को अच्छा प्रॉफिट हुआ, फिर आज थोड़ा सा मार्केट डाउन रहा, तो प्रॉफिट जब नहीं होता थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग लगता है यार, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, ऐसी अप एंड डाउन होता रहता है मार्केट में, वेजिटेबल्स मार्केट में भी और लाइफ में भी। आशा करते हैं कि अपन कल जो है अपना लॉस रिकवर करके एक अच्छा प्रॉफिट करें, देखते हैं अब क्या होता है वो तो कल ही पता चलेगा। इसी के साथ आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, कैसा लगा उसे कमेंट जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, मिलते फिर एक और नए वीडियो सामने, तब तक सभी को जय हिंद जय भारत।